कर्नाटक की राजनीति के रजनीकांत। सिद्धारमैया को क्यों कहते हैं ऐसा, जानिए इसके पीछे क्या कारण है। कर्नाटक चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम का नाम भी फाइनल हो चुका है। जल्द ही सरकार भी बनने वाली है, जिसके लिए कर्नाटक के भावी सीएम सिद्धारमैया और नामित डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आज राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। पहले आपको बता दें कि शपथ समारोह 20 मई को होगा, जो कि दोपहर करीब 12:30 बजे बेंगलुरु के कांटेरावा स्टेडियम में होने वाला है। कर्नाटक का सीएम बनने के लिए कितनी जद्दोजहद चली, ये किसी से छिपी नहीं है। आखिरकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के सिर सीएम का ताज सजेगा। तो वहीं क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे उनके समर्थकों का भी बड़ा योगदान है। इसलिए सिद्धारमैया को कर्नाटक की राजनीति का रजनीकांत कहा जाता है। आपने रजनीकांत के फैंस को देखा होगा जो पागलों की तरह उनको प्यार करते हैं। ठीक वैसे ही कर्नाटक में सिद्धारमैया हैं, उनकी भी फैन फॉलोइंग कुछ ऐसी ही है। सिद्धारमैया की सादगी, संघर्ष और सियासत के लोग दीवाने हैं। खासकर कुर्बा समुदाय के लोग तो सिद्धारमैया को संत की तरह सम्मान देते हैं, तभी तो उनकी तस्वीर को दिल से लगा के रखते हैं, यानी कि तस्वीर को सीने पर गुदवा के रखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सिद्धारमैया ने अपनी राजनीतिक जीवन में धर्मनिरपेक्ष साख से समझौता किया। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार वापसी के चेहरे के रूप में सिद्धारमैया के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। देखा जाए तो वह गरीबों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखते हैं और सादगी के साथ अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, कपड़े पहनने से लेकर मिलने जुलने और खाने पीने तक में वो सादगी के पसंदीदा हैं। सिद्धारमैया एक ऐसे नेता हैं जो अपने पास एक मोबाइल फोन तक नहीं रखते। चाहे बड़े से बड़ा कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर किसी को सिद्धारमैया से बात करनी है तो उनके पीए के जरिए ही संपर्क करना पड़ता है। सिद्धारमैया जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और देहाती छवि वाले नेता हैं जो लोगों को खूब पसंद आते हैं। सिद्धारमैया कुर्बा यानी कि गडरिया समुदाय से आते हैं। कर्नाटक में सियासी तौर पर प्रमुख जातियों में से एक है और ओबीसी के तहत ही आती है। सिद्धारमैया ने अपनी सियासी ताकत अहिंदा यानी अल्पसंख्यकों, पिछड़ों वर्गों और दलितों के लिए कन्नड़ में संक्षिप्त नाम के जरिए ये खुद बनाई है। कर्नाटक के लोग जानते हैं कि वो हमेशा ही समाज के गरीब तबके की भलाई के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सीएम रहते हुए उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए कई अहम काम किए हैं। सिद्धारमैया की सियासत दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों पर केंद्रित है। वहीं तमिलनाडु के समाज सुधारक पेरियार एवी रामासामी नायकर की तरह राजनीति करते हैं, जो एक सामाजिक न्याय की दृढ़ता में विश्वास करते हैं। और यही वजह है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया को सियासत का रजनीकांत कहा जाता है, क्योंकि वो लोगों के प्रति हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा उनके लिए काम करते हैं। और यही वजह है जो लोगों के बीच वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उनके पसंदीदा नेता हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।